हम बराबरी में आए हैं, आप आए हैं ना, मुझे जानता है या कौन कौन, जरा हाथ उठाओ, मुझे जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, मुझे जानता है। मानिक बाबू, मानिक सरकार को बोल रहा हूं, आके देखो, कुमलम विप्लव को जानता है, तिप्रसा विप्लव को जानता है, तिप्रसा बुआग्रा को जानता है, तिप्रसा मानिक शाह को जानता है, तिप्रसा इस धरती को जानता है, क्योंकि हुई वो धरती के पुत्र है, धरती के बेटी है। मेरे मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें एक ऐतिहासिक दृष्टि है, ऐतिहासिक विषय है, उसमें क्या है, आज खुमलंग के इस मैदान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी है, हमारे महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक के नाती और महाराज किरीट विक्रम विभूत विका जो बेटा मेरा दोस्त पूर्वग्रह भी बैठे हैं, और साथ ही साथ हमारे प्रदेश का अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी बैठे हैं, हमारे बीके रामखल जी जो कि त्रिपुरा माता का अध्यक्ष बैठे हुए हैं, प्रेम कुमार जी आईपीएफ के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे बीच में जगदीश जी बैठे हैं, जगदीश दलपरमा जी जो एडीसी का प्रेसिडेंट चेयरमैन है, हमारे पूर्ण चंद्र जमातिया जिनका नाम ही पूर्ण है, वो सबको पूर्ण कर देता है, ऐसा सीएम है हमारे पास, तिप्रा समय आओ मानिक सरकार, और जो कांग्रेस के नेता देखो आके हम कहां बैठे हैं, आपको मालूम ही नहीं है, आप कल बोल रहे थे कहीं त्रिपुरा में महाराज प्रद्युत किशोर मानिक ने बेईमानी किया है, अरे उस राज परिवार में बेईमानी का खून नहीं है, आपके खून में बेईमानी है, आपके खून में बेईमानी है, आपने 25 साल राज किया, इससे पहले 10 साल राज किया तो जनजाति के साथ बेईमानी किया है, आपने जो बेईमानी किया है इसलिए आप बेईमान को पहचानता हो, विप्लव देव जो तिप्रासा को प्यार करता है उसको जानता है, इसलिए हम बुबा को प्यार करते हैं मेरे मित्रों, उसी कारण से हम बुबा ग्राम और विभू देवी को प्यार करते, क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं हूं, किंतु महारानी विभू देवी मुझे बेटे जैसा सम्मान आदर करता है, इससे बड़ा भाग्य मेरे जीवन में क्या होता है, मैं प्रार्थी हूं, मैं यहाँ बीजेपी आईपीएफटी और तिप्रासा का प्रार्थी हूँ, मैं नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो तिप्रासा का भला होगा, अरे महाराज का जो इशू है जो तिप्रासा के लिए मांग रहा था, अरे मानिक सरकार आपने नहीं दिया, आपने राहुल गांधी ने नहीं दिया, हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने महाराज प्रद्युत किशोर मानिक को बुला के त्रिपुरा को जनता को जनजाति को सम्मान दिया, मेरे मित्रों सम्मान दिया मेरे मित्रों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं खुमलंग से, ये जो काल आपने जो बैठ के बेईमानी का पाला जो पड़ा है, आपने बेईमानी किया है जनजाति के साथ, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसके बाद और दूसरा बात बोलता है क्या, त्रिपुरा में बच्चा बेच के लोग खा रहे हैं, किसका बच्चा है भाई, किसके घर में पोता हुआ, किसके बेटी को आपने बेचा, किसी ने बच्चा बेचा, यहाँ कोई है खुमलंग में कोई है बच्चा बेच के खाना खा रहे है? मेरे पूरे त्रिपुरा में है, आपके समय में लोग बच्चा बेच के जनजाति अपना चावल लाता था, किंतु आज नरेंद्र भाई मोदी के समय 5 किलो करके चावल सबको फ्री में दिया जाता है, 5 किलो करके चावल फ्री में दिया जाता है, किस किस को 5-5 किलो चावल फ्री में मिलता है, जरा हाथ उठाओ तो मेरे दिखाओ, 5 किलो चावल फ्री में मिलता है, 5 किलो चावल पैसा नहीं लगता, मिलता है, मिलता है, मिलता है, जब कम्युनिस्ट का सरकार था, 25 साल की सरकार रही है, आज ये भी बोलता है गुवाग्रह तो मोदी के साथ चला गया, तो इसलिए वो जो
जो जन मनोमुक्ति परिषद किया था वो लोग बुबाग्रा के साथ नहीं जाएगा, वो लोग बुबाग्रा का नहीं मोदी के साथ जाएगा। त्रिपुरा के जनजाति, त्रिपुरा के जनजाति धरती पुत्र नरेंद्र भाई मोदी के साथ जाएगा, क्योंकि मोदी ने त्रिपुरा के साथ न्याय किया है मेरे मित्रों। मोदी नहीं आता 2018 में त्रिपुरा का जाति जनजाति को मुक्ति नहीं मिलता मेरे मित्रों। हम लोग कांग्रेस सीपीएम करते करते हम लोग को बेच डालता। आप देखो जो लोग कांग्रेस और सीपीएम कर करके लड़ाई किया है, मर्डर किया है, दंगा किया है, जनजाति को घर को जला दिया है, आज कांग्रेस और सीपीएम एक साथ बैठ के मानिक सरकार बोलता है मैं तो हाथ में वोट करूंगा, हाथ चिन्ह में वोट करेगा। पहले बोलता था इस काला जो हाथ है, काले जो हाथ है इसको तोड़ डालो। आज मानिक सरकार बोलता है उस काले हाथ में ही हमको वोट देना है। त्रिपुरा के जनजाति आपके साथ नहीं है, कभी भी जाने वाला नहीं है। जनजाति महाराजा वीरवत्कम किशोर मानिक के साथ है, बुवाग्रा के साथ है, मानिक शाह के साथ है, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है और सर्वोपरि हमारे दिल के साथ है, हमारे दिल के साथ है मेरे मित्रों। मैं दिल से जनजाति को प्यार करता हूँ। यहाँ प्रेम कुमार जी बोल रहे थे विप्लव जी ने मुख्यमंत्री रहे तो ये किया वो किया ये किया, मैंने कहा मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मेरा काम है ये मैंने किया है और मुझे जो मिला है जनजाति का गुदक मिला है, मुझे जनजाति का ये रिश्ता मिला है, मुझे हम प्यार के भूखे हैं, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हम इस धरती में जन्म लिया है, मैं इस धरती का कीमत जानता हूं। और मैं वादा के साथ आज कुमलम में बोलता हूं, मुझे आप एमपी बना के जब भेजेंगे मैं जब काम करूंगा, मैं जाति जनजाति त्रिपुरा के हित में काम करूंगा और त्रिपुरा को नंबर वन प्रदेश बनाने के लिए, जनजाति को हर घर में रोजगार देने के लिए, जनजाति को बहनों को सबको आसमान में उड़ाने के लिए, जनजातियों को भाई को ड्रग्स से निकल के रोजगार देने के लिए विप्लव देव बोगरा मानिक शाह मिलकर काम करेगा। और मेरा विश्वास है उसी दिशा में पूरा त्रिपुरा काम करेगा। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात याद रखना, वोट कहाँ करना है, वोट इस बार कमल निशान में पद्म फूल में करना है, तब मेरे पास जाएगा, नहीं तो दूसरे के पास चला जाएगा। मुझे वोट करवे, मुझे वोट करना है। कौन कौन करेगा जरा हाथ उठो, कौन कौन करेगा? मानिक बाबू देखिए सब लोग पद्म फूल में नरेंद्र भाई मोदी का प्रधानमंत्री बनाएगा। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ। क्या नारा दूं? दो एक नारा दो, मेरे प्यारे त्रिपुरा साहब, मेरे प्यारे जनजाति भाई बहनों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।